पीएम मोदी ने एक्स पर किया ऑडियो शेयर, राम मंदिर को लेकर दिया अद्भुत संदेश, पीएम मोदी ने कहा कि मैं भावुक हूं, बस 22 जनवरी का सबको है इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक ऑडियो संदेश जारी किया है। राम मंदिर उद्घाटन समारोह से पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक ऑडियो संदेश कर बताया है कि वह आज यानी कि शुक्रवार 12 जनवरी से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि वह उस अवसर का गवाह बनेंगे। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और शुभ अवसर बताया है। पीएम ने कहा कि वह सभी लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भावुक हूँ, जीवन में पहली बार मुझे ऐसे भाव आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने विशेष अनुष्ठान पर विशेष ऑडियो संदेश जारी करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आपको बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद और वृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है। एक राम भक्त के रूप में पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं। उन्होंने तय किया कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों और तपश्चर्याओं को उतनी ही दृढ़ता के साथ पालन करेंगे जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। यही निश्चय कर प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू किया है। देव प्रतिष्ठा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पूर्व व्रत के नियमों का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो अनवरत ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर